भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में पॉलिटेक्निक चौराहे पर सीएम हाउस के सामने लगे मोबाइल टावर पर एक युवती आत्महत्या करने के लिए चढ़ गई। युवती को मोबाइल टावर पर चढ़ा देख भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर श्यामला हिल्स थाना पुलिस पहुंची और युवती को समझा बुझाकर नीचे उतारा। युवती का कहना है कि वो छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या का कदम उठाने जा रही थी। युवती ने बताया, होमगार्ड में पदस्थ एक युवक आकाश उसे लगातार परेशान कर रहा था। आकाश की मां पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर है, इसलिए युवती की पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। परेशान होकर युवती ये कदम उठाने जा रही थी, जबकि पुलिस का यह कहना है कि हम दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। वादा किया वापस दे दूंगा, मगर उसने मुझे दो दिन का वादा करके बुलाया मुझे VIP रोड में। वहाँ नशे की हालत में था, मुझसे बदतमीजी करी उसने, गाली गलौज करी। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने गलत पार्ट पे हाथ लगाए मेरे, तो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। फिर मैं कोई फीसद थाने गई, मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने फोन लगवाया, याद नहीं मैं किसको लगवाया था, फोन लगवाया। तो वहाँ से फोन लगा तो मेरी FIR 2 बजे रात को दर्ज हुई। फिर उसके बाद भी हम लोग को बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार प्रेशर किया जा रहा है कि झूठी खबर है लिख के दो और हम तुम्हारे पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे, मगर लिख दो कि झूठी खबर है ये। FIR दर्ज हो गई मगर मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। वो बार बार हम पे प्रेशर कर रहा है, मेरे घर आ रही है पुलिस और वो जो जवान खान है उसके घर भी आ रही है, प्रेशर कर रहे हैं वो लोग। ऋचा त्रिपाठी फिजा की है, याद नहीं मुझे कौन है वो, पुलिस में ही है वो बार बार दवा बना रही है और जो मुजरिम है उसको पकड़ा नहीं जा रहा, हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। आकाश होमगार्ड में, आकाश की कोई मम्मी कोई है किसी पोस्ट पे है, ये सुनवाई नहीं हो रहा, मुझ पे प्रेशर दिया जा रहा है, मैं मानसिक संतुलन मेरा खराब हो गया है। सुनवाई की जाए और उसको जेल में बंद किया जाए और मुझ पे प्रेशर दिया जा रहा है, रिपोर्ट वापस लो, तुम्हारी झूठी रिपोर्ट है ये वो। सुनवाई की जा रही है घर पे, वो क्या बोलते कोई फिजा के थाने वाले और जांगिया थाने वाले भी मेरे घर आए थे, महिला कोई दो आई थी। आकाश को मैं जमाल के थ्रू जानती थी, जमाल को मैं 7-8 साल से जानती थी और उसके थ्रू आकाश को जानती थी। पैसे थे आपकी मां के? जी, मैं डायलिसिस के, मेरा डायलिसिस, मम्मी का डायलिसिस होता है, जो बिल होता है पापा SBI में बिल होता है, वो पूरा अमाउंट मेरे पास आया था जब बिल पास होता है, तो वो मैं कैश अपने गोदरेज में रख देती हूँ ताकि मम्मी का डायलिसिस हो तो उसमें से निकाल के देती हूँ। मामले को संज्ञान में लिया गया है, 3 तारीख को अपने दोस्त को 60,000 रुपये देने का बताया गया और 2 दिन बाद ये शिकायत की गई कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है और मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन की बात थी, चूँकि महिला संबंधी मामला था इसलिए इसको संवेदनशीलता के साथ में तत्काल में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चूँकि पूर्व में ये मित्र हैं, एक दूसरे के माध्यम से मिले हुए हैं, मिलना जुलना भी था इन लोगों का, ऐसी स्थितियों में उसकी जांच की जा रही है, जो संबंधित व्यक्ति है जो सही होगा वही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए सभी जान पहचान के लोग, पास पड़ोस के लोगों के कथन लिए जाते हैं, जो साथीदारान हैं, जो दोस्तदारान हैं, उनके कथन लेकर के क्या सच है ये पुलिस की विवेचना का महत्वपूर्ण भाग होता है, तो उसकी जानकारी के लिए पुलिस गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अभी जो संज्ञान में आया है कि होमगार्ड सैनिक है और जो लड़की है उसका कोई दोस्त है, उसका कोई परिचित व्यक्ति है। आज मध्य प्रदेश क्या सच यही है जो ये बिटिया बता रही है कि पुलिस पहली बात तो FIR दर्ज नहीं करती, दूसरी बात FIR किसी दबाव में दर्ज भी होता है तो फरियादी को परेशान किया जाता है, दोषी दबंग गुंडे बदमाश खुलेआम घूमते रहते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ती, उल्टा फरियादी को मानसिक तनाव दिया जाता है, उसे बाध्य किया जाता है कि वो अपनी FIR वापस ले ले और दोष मुक्त करके गुंडों को घूमने का लाइसेंस मध्य प्रदेश पुलिस सरकार दे रही है, जो कि बेहद निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह नरसिंहपुर में भी हमने देखा, जिस जब महिला के साथ रेप हुआ तो FIR दर्ज नहीं हो रही थी, फिर FIR दर्ज हुई तो उसकी पति और उसके घर वालों को अंदर किया गया और बाध्य होकर उसका आत्महत्या कर। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे, भोपाल।